हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और हमारी आज की रेसिपी है साबूदाना खीर की रेसिपी। सो साबूदाना खीर जो है वो फास्ट में बनने वाली एक बहुत ही कॉमन स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारी पहले से तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ही बनके रेडी हो जाती है। सो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इससे आपको वीडियो अपलोड होने के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो इमीडिएटली मिल जाएंगे। सो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। साबूदाना खीर का मेन इंग्रेडिएंट है साबूदाना। मैं यहाँ पे 200 ग्राम मोटे वाला साबूदाना ले रही हूँ। हम यहाँ पे इसको अच्छे से वॉश करेंगे। इसको बहुत अच्छे से हमें वॉश करना ज़रूरी है सो दैट इसमें से सारा स्टार्च निकल जाए, प्लस हमारा साबूदाना की खीर जब बनेगी तो वो स्टिकी नहीं बनेगी। हम इसको 3 से 4 बार अच्छे से कोल्ड वाटर में धोएंगे और जब हमारा पानी बिल्कुल क्लीन आ जाएगा तब हम इसको फाइनली क्लीन वाटर में रख के ओवरनाइट सोक करेंगे। पानी हम ऊपर तक भर देंगे, इसको ढक कर हमें ओवरनाइट छोड़ देना है। अब ओवरनाइट सोक होने के बाद हमारा सारा साबूदाना फूल गया है, ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा साबूदाना रेडी है खीर बनाने के लिए। साथ ही हमें चाहिए 3 ग्लास दूध के, 3 से 4 चम्मच हमें यहाँ पे चीनी के चाहिए। मैं यहाँ पे पाउडर्ड शुगर यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स के। अब स्टार्ट करते हैं खीर बनाना। खीर बनाने के लिए पहले एक पैन में हम डालेंगे दूध, फ्लेम हम यहाँ पे हाई रखेंगे। दूध को लगातार चलाते हुए हम हाई फ्लेम पे बॉइल करेंगे। इसकी साइड्स को हम इस तरह से निकालते जाएंगे। जैसे हमारे दूध में बॉईल आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे साबूदाना। साबूदाना को हम मिक्स करेंगे, फ्लेम हम यहाँ पे हाई रखेंगे। इसकी साइड्स को निकालते हुए हम इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। अब जैसे ही बॉईल आएगा हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। बीच में हम लगातार इसको स्टर करते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हो। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे काजू, पिस्ता और बादाम का यूज़ किया है। फ्लेम हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे और ये हमारी टेस्टी सी और इजी एंड क्विक बनने वाली साबूदाना खीर रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।